प्रधानमंत्री महोदय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जिस तरह से काम कर रहे हैं वो वाकई काबिलियत तारीफ है। बट जिस तरह से देश चल रहा है वो काबिलियत तारीफ नहीं है। हमारे यहाँ मिनिमम वेतन, मिनिमम मजदूरी का आयोग है, लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी हम लोगों के मजदूर वर्ग को, मजदूर किसी भी लेवल के हों, सरकार ने पेमेंट पॉलिसी फिक्स कर दी है, सरकार ने पे स्केल पॉलिसी फिक्स कर दी है, सरकार ने पे स्केल के लिए तरह तरह के स्केल बना रखे हैं, चाहे वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की हो, या मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के मिनिमम लेबर एक्ट हो, उस एक्ट के तहत पेमेंट मिलने चाहिए। भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी जगह अगर इस तरह के पेमेंट में किसी भी तरह की कोताही की जा रही है और किसी भी तरह की मिसहैंडलिंग हो रही है और किसी भी तरह की अनुचित व्यवहार हो रहा है और पेमेंट में विसंगतियां हैं, मजदूर के पेमेंट में विसंगतियां हैं, तो उसका डायरेक्ट प्रभाव भारत के युवा शक्ति और भारत के विकास पे पड़ता है। अतः मैं प्रधानमंत्री महोदय से सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूँ कि भारत में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी तंत्र हो, किसी भी तंत्र में किसी भी तरह की अगर पेमेंट की विसंगतियाँ हैं, सैलरी की विसंगतियाँ हैं एज पर द नॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज पर द नॉर्म ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको जितना जल्दी है उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करा जाए और उतनी जल्दी उन्हें ये आदेश दिया जाए कि भारत में किसी भी तरह की पेमेंट विसंगतियाँ नहीं होगी, सैलरी उस पार्टिकुलर व्यक्ति के अकाउंट में आएंगे, वो अकाउंट पूरी तरह से ऑडिटिंग होगा, ऑडिटिंग होने के बाद वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की जाए। अतः मैं भारत के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल से ये आग्रह करना चाहूँगा कि पेमेंट विसंगतियाँ की तरफ ध्यान दें, जिससे भारत के स्वर्णिम विकास हो सके, इनोवेट भारत हो सके, सस्टेन भारत हो सके और डेवलप भारत हो सके। और अपना जो सपना है भारत को विश्वगुरु बनाने का 2030 तक, उसमें हम लोग सफल योगदान दे पाएं। धन्यवाद।